तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने कंप्यूटर को ओपन कर रहे हैं तो अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम तब आता है जब हम अपने कंप्यूटर में कोई भी एंड्रॉयड ओएस को इंस्टॉल करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि फिनिक्स ओएस या फिर प्राइम ओएस या फिर एंड्रॉयड x86, अगर हम इन सभी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और जब हम उसको डिलीट कर देते हैं तब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है। इसमें होता ये है कि जो हमारा विंडो का जो स्टार्टअप फाइल होता है वो जो है वो डिलीट हो जाता है। तो आज हम बताएंगे कि आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक प्रिंटर चाहिए होगा और गाइस, इसके अंदर आप कोई भी एक एंड्रॉयड ओएस या फिर कोई भी ओएस आप इसके अंदर इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे कि प्राइम ओएस या फिनिक्स ओएस। आप इन सभी में से किसी एक को बूटेबल पेन ड्राइव में आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद गाइस, आपको करना ये है कि अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो पेन ड्राइव है ये मेरा बूटेबल है, तो हम इसको अपने कंप्यूटर में लगा देते हैं और फिर अपने कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ कर देंगे। यहाँ से इसको पावर ऑफ कर देंगे और फिर इसको ओपन करेंगे और यहाँ से हमें बूट मेन्यू में अपने चले जाना है। तो यहाँ पे मेरा है F9 से मेरा जो बूट ऑप्शन जो है वो ओपन होने वाला है, तो हम अपने कंप्यूटर से F9 बटन प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें हार्ड ड्राइव पे जाना है, USB हार्ड ड्राइव पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक यही एंड्रॉयड ओएस था मेरे फ्रेंड के पास, तो मैं यही वाला एंड्रॉयड ओएस को अपने पीसी में इंस्टॉल करूँगा। आप चाहे तो कोई भी ओएस को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने से फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा विंडो का जो स्टार्टअप फाइल है वो तो डिलीट हो गया था, वो जो है वो वापस आ जाएगा। तो मेरे पास एक न्यू ड्राइव था 60 GB का, जो कि बिल्कुल खाली है। हम इसको उसी में इंस्टॉल करेंगे। तो डू नॉट फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके। और यहाँ पर अपने एरो की से ही सारा कुछ यहाँ पे कंट्रोल होगा, तो आप इसी के थ्रू आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। एक और टाइप का होता है जिसे इसको सॉल्व किया जाता है, जो कि कमांड वाला होता है, पर उसमें आपका कंप्यूटर का डाटा भी लॉस हो सकता था। पर ये बिल्कुल 100% सेफ है, इसको आप इजीली ट्राई कर सकते हो और ये बिल्कुल वर्क करेगा आपके पीसी में। मैं इसको 2-3 बार ट्राई किया हूँ और मेरा हर बार मेरा जो पीसी है वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है इसमें। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो जो आपका विंडो का जो सेटअप फाइल है वो आ जाएगा, फिर आपका पीसी है वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। आप कोई भी एंड्रॉयड ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे पास ये वाला ओएस था तो हम इसको इंस्टॉल कर रहे थे। आप चाहें तो विंडो का भी ओएस इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर जो हमारा ओएस है वो इंस्टॉल हो गया, तो हम यहाँ पर रिबूट करेंगे। हमें ये एंड्रॉयड ओएस ओपन नहीं करना है, हमें अपना विंडो जाना है जिससे मेरा कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। तो हम इसको रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे एंड एग्जिट। अब हमें अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव को बाहर निकाल देना है और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मेरा विंडो का ऑप्शन है वो आ चुका है। तो अब हम विंडो पर जाकर इंटरफेस कर देंगे। आपके सामने जो भी प्राइम ओएस फिनिक्स ओएस जो इंस्टॉल करिएगा वो सामने आ जाएगा और साथ में विंडो का भी ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आपका विंडो है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा और आपका पीसी वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा हम वीडियो को फास्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा पीसी है वो ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं मेरा कोई भी डाटा मेरे कंप्यूटर से लॉस नहीं हुआ है। पर जो हम कमांड वाला जो यूट्यूब पे बता जाता है उससे आपका डाटा भी कभी कभी डिलीट हो जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। पर मेरा सारा कुछ पहले जैसा है नॉर्मल। और यहाँ पे हम अपने एंड्रॉयड ओएस को इंस्टॉल किए थे ये वाला ड्राइव में, जेड में, जो कि मेरा न्यू ड्राइव था 60 GB का खाली। तो मेरा पीसी अब पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।